मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है। मैं हेमोफीलिया का मरीज़ हूँ और पिछले 8 साल से मैं HIV के साथ जी रहा हूँ। ये एक मर्ज़ है जो इंसान के अंदर की कुव्वत मुदाफ़ित को ख़त्म करता है आस्ते आस्ते, और इंसान की वो ताकत नहीं रहती, वो सेहत नहीं रहती। जब मुझे पहली बार जब बताया गया कि आपको HIV है, तो इसका मैंने बहुत अरसा पहले नाम तो सुन रखा था और इसके बारे में कुछ अलामत भी मुझे पता थी कि इसकी अब आगे क्या रिज़ल्ट है। तो मेरे उस वक्त फौरी तौर पर जो जहन में बात आई कि भी अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने जो सुन रखा था कि भी ये जो HIV है ये लाइलाज है। और मेरे घर में जो मेरे साथ जो अटैच हैं, मेरी वाइफ है, मेरी वालदा हैं, मेरे बच्चे हैं दो, अब उनका क्या सिलसिला होगा? तो अब जो मेडिसिन लगी हुई है ना, उससे मुझे ये मसले मसाइल हो रहे हैं कि एक तो मेरी मेमोरी में बड़ा फ़र्क आया और मेरे आइज़ वीक में बड़ा फ़र्क आया। तब से मेरे काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया और मैंने कुछ अर्सा भी छोड़ भी दिया था, हो नहीं रहा था मुझसे। बहुत से लोगों को, जबकि डॉक्टरों को नहीं पता था तो उनको कैसे पता हो सकता था? तो कुछ ऐसे दोस्त थे, यार ये इसमें तो बंदा मर जाता है, जिन लोगों ने जिस तरह से सुना हुआ था ना, वो उस तरह से मुझसे आगे बातें करते रहे कि यार इसमें तो सुना है कि घर वालों के साथ ना वो बैठ के खा पी सकता है और ना ही वो यानी कोई ऐसे तल्लुकात भी नहीं रख सकता अपनी बेगम के साथ। तो ये तो गलत तरीके से भी हो जाती है। अगर आप कोई सेक्स वर्कर से आप किसी ने आपने रिजू किया है तो उससे भी हो जाती है। तो मुझे काफ़ी बातों का पता चल गया हुआ था। मैंने कहा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने घर में, आपको अगर HIV हो गई है तो अब आपने घर में किस तरह रहना है, अपने लाइफ पार्टनर को सेफ किस तरह करना है। हेमोफीलिया का तो उन्हें वाइफ को पता चल गया हुआ था कि भी इन्हें ये होता है, ये मसला है, लेकिन HIV के हवाले से वो बिल्कुल नावाकिफ थी। और जैसे जैसे हमारी काउंसलिंग होती रही, फिर वो जो दिल में शबुहात थे ना, शकुहात थे, वो दूर होते गए। और मेरे घर वाले मेरे साथ खाते भी हैं, बैठते भी हैं, हर वो काम करते हैं जो घर में आम एक तंदुरुस्त बंदा कर सकते हैं। मेरा आप सबसे, उन लोगों से मेरी अपील है बरादराना, और कि ख़ास कर ये ख्याल रखें कि इस चीज़ का, कि खून जो दिया जाए या लिया जाए, ये वो टेस्ट शुदा हो, तमाम बीमारियों से पाक हो।